देखिए अभी इस वक्त हम आए हुए हैं जो कि पीरो अनुमंडल के जो कि ओझोलिया मोड़ के जो कि हम आए हुए हैं जो कि पंडाल जो हम दिखाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो कि पंडाल है जो कि यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पर पंडाल बनाया गया है और बहुत सारे जो यहाँ से जो कमेटी के लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पंडाल बनाया गया है और हर साल की भांति इस साल भी यहाँ पर जो पंडाल बनता है यहाँ पर बनाया गया है। तो आइए हम जानते हैं और बहुत ही लगन मेहनत से लोग पंडाल बनाए हुए हैं और ये अगल बगल जो गाँव है कलहराबाद जो गाँव है यहाँ के बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं और उनका बहुत ही सहयोग रहता है इस कमेटी में। तो आइए हम जानते हैं क्या नाम है भी आपका? मनोज कुमार। मनीष कुमार सचिव है। आप सचिव हैं यहाँ से अध्यक्ष? हाँ, इस कमेटी। अच्छा, आप ये बताइए कितना समय लगा आप लोग पंडाल बनाए हैं पूरा एकदम बेहतरीन ढंग से देख रहे हैं कि पंडाल बनाने में लगा है कम से कम 15 दिन। 15 दिन से आप लोग लगे हुए हैं पूरा जम कर। आज तो आज ही पंडाल जो पट खुला है दुर्गा माता का, किस तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं आप लोग? अच्छे ढंग से सब पूजा पाठ हो रहा है, माता रानी की कृपा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जब से आप लोग पट खोले हैं जो कि दुर्गा माता के जो कि पट आप लोग पूजा पाठ करने के बाद खुला है पट, तो कितना मतलब आए हैं पूरा श्रद्धालु? हाँ, अच्छे श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, अच्छी भीड़ लग रही है हर साल। पूरा भीड़ लग रहा है एकदम पूरा बहुत हर साल। किस तरह से आप लोग हर साल आते हैं आदमी भीड़ लगता है यहाँ पर? किस तरह से आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं घर में चाहे यहाँ पर भी? अच्छा तरह पूजा कर रहे हैं, अच्छी तरह। क्या 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 आप लोग मांगे हैं दुर्गा माता से? आप देख रहे हैं कि पूरा एकदम आप लोग काफी युवा लोग हैं, युवक संघ इलाहाबाद जो कि सभी युवा लोग ही हैं इस कमेटी में लगे हुए हैं जोर शोर से। किस तरह से आप लोग आशीर्वाद मांग रहे हैं दुर्गा मांग रहे माई मन कामना हमने पूरा करोस? क्या चाहते हैं आप लोग माता रानी से? नौकरी लगाओ बहुत जल्दी हमने। क्या चाहते हैं भैया आप लोग? बस मांगने से कुछ नहीं मिलता है, माँ सब देख रही है, माँ खुद पूरा कर देगी जो हम लोग का मन में श्रद्धा है वो सब पूरा करेगी। पूरा एकदम लगन मेहनत के साथ आप लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं। देखिए काफी युवा लोग हैं, क्या कर रहे हैं भैया, किस तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं? बहुत अच्छा तरह से कर रहे हैं, माँ के भक्ति में लगे हैं, माँ अपना दया दृष्टि बनाए रखे हम लोग के ऊपर। पंडाल के अंदर भी हम जाने का काम कर रहे हैं और दिखाने का काम कर रहे हैं जो कि प्रतिमा है जो कि दुर्गा माता का, कितना अच्छे तरह से यहाँ पर प्रतिमा जो है बनाया गया है और काफी जो दुर्गा माता है जो कि शेर पर जो कि सवार हैं और जो कि राक्षस का जो वध कर रही हैं और राक्षस भी है जो कि जो भैंसा है भैंसा का सवारी अभी सवारी कर रहा है और इसके बगल में जो कि गणेश भगवान का भी मूर्ति है, सरस्वती जी सरस्वती माता का भी है मूर्ति है और कार्तिकेय जी का भी मूर्ति है और भी जो है देवी देवताएँ हैं यहाँ पर स्थित है। और आपको हम बता देना चाहते हैं लक्ष्मी जी का भी यहाँ पर मूर्ति है जो कि स्थित है और काफ़ी लगन मेहनत के साथ यहाँ के जो युवा हैं जो झोलिया मोड़ और लहराबाद के जो युवा हैं संघर्ष करते हुए यहाँ जो पंडाल ही बनाए हैं और मूर्ति भी यहाँ पर रखने का काम किए हैं और लोगों का कहना है कि काफ़ी आस्था के साथ यहाँ पर हर साल की भांति इस साल भी नवयुवक संघ जो कि लहराबाद जो कि ओझोलिया मोड़ जो यहाँ पर कमेटी जो है अच्छे तरह से पूजा पाठ लोग करते हैं और लोगों का कहना है कि जो भी लोग यहाँ का जो कमेटी का कहना है कि जो लोग दूर दूर से लोग आए हैं घूमने के लिए अच्छे ढंग से आए घूमने के लिए सभी लोगों का स्वागत है।